उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कोषागार से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों को विनियमित किया जाए, सरकार के आश्वासन के अनुसार उनके पदों का अधियाचन एवं विज्ञापन न किया जाए। वार्ता में दिए गए वायदे के अनुसार वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली तत्काल निर्गत की जाए तथा 15,000 मासिक रुपए मानदेय देने की व्यवस्था करें। आज ज्ञापन है, किस चीज को लेके ज्ञापन दे रहे हैं? हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की एक बैठक 9 मार्च को हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी से वार्ता हुई थी। हमने 2 दिन का मूल्यांकन बहिष्कार किया था और मूल्यांकन बहिष्कार के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आप अपना मूल्यांकन बहिष्कार वापस ले लो, आपकी जो भी समस्याएं हैं उन पर हम, क्योंकि कल से आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता जैसे ही हटेगी हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। कुछ मांगों पर उन्होंने ये कहा था कि हम तत्काल लागू कर देंगे और उन मांगों में से एक मुख्य मांग थी जो हमारे वित्तवीन के अध्यापक साथी हैं उनको 15,000 रुपया उनके खाते में भेजना। लेकिन 9 मार्च के बाद आज तक हमारे संगठन से किसी ने कोई वार्ता नहीं की और ना ही किसी बात को गंभीरता से लिया और ना ही वार्ता के लिए बुलाया। और उसमें हमारे 3 मांगे मुख्य रूप से हैं। उनमें सबसे पहली मांग है कि 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन सरकार ने ख़त्म की है, चाहे उसमें अध्यापक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, कोई सा भी विभाग हो, 2005 के बाद पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। तो सबसे मुख्य मांग हमारी ये है कि 2005 के बाद जो आपने NPS लागू किया है, इस आप NPS को वापस लो और पुरानी पेंशन योजना हम सब पर, कर्मचारियों पर, अध्यापक पर लागू करें। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी है कि जो हमारे तदर्थ अध्यापक जो लगातार पिछले 20 वर्षों से एडहॉक चल रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी सेवाएं नियमित की जाएं और उनका GPF कटे और उन्हें भी पुरानी सेवाओं का लाभ मिले और पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए। और तीसरी मांग, जो वित्तहीन विद्यालयों में जो शोषण हो रहा है, वित्तहीन विद्यालयों में 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000, 5,000 रुपये दे करके जो अध्यापकों का शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमारा नारा बुलंद है।